आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज करते हुए 2000 के नोट को सर्कुलेशन से विथड्रॉ करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने बताया कि जितने भी 2000 के नोट सर्कुलेशन में हैं, उन्हें अब वापस लिया जा रहा है और जिनके पास भी ये नोट अभी मौजूद हैं, वो 30 सितंबर तक इसे बैंकों में वापस कर सकते हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद सभी पार्टियों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने इसे देशवासियों के साथ एक धोखा के रूप में बताया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे एक अनपढ़ प्रधानमंत्री का फैसला बताते हुए इसकी निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी की एक और गलत फैसले को बताते हुए इसे तानाशाही फैसला बताया है। इसे काला धन खत्म करने का, भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे को गलत साबित होते हुए बताया है। वहीं आरबीआई ने इसे डीमोनेटाइजेशन ना कहकर इसे किसी को घबराने से मना किया है और कहा है यह सिर्फ तभी नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का एक फैसला है जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आरबीआई ने कहा है कि अब वो 2000 के नोट को और नहीं छापने वाले हैं, इसलिए बाकी जितने भी नोट सर्कुलेशन में हैं, उन्हें वो वापस चाहते हैं। आरबीआई ने इन बातों को अपने प्रेस रिलीज के 10 पॉइंट्स में से डिटेल में बताया है। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।